हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली अग्रवाल, फैस्टो कोचिंग एंड कंसल्टेंसी में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम देखने वाले हैं एक फॉर्मेट, राइट? जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि न्यू ईयर आने वाला है, नए साल में हमें बहुत से प्लान्स बना के देने पड़ते हैं मैनेजमेंट को, कंपनी को, एज अ सेफ्टी प्रोफेशनल। तो आज मैं ऐसे ही कुछ प्लान्स में से एक प्लान डिस्कस कर रही हूँ। ये है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, शॉर्ट में जिसे हम QMS कहते हैं, उसका इंटरनल एनुअल ऑडिट प्लान। हमें कुछ एनुअली चीज़ें बना के देनी होती है कंपनी को, तो आज इसमें मैंने लिया है इंटरनल ऑडिट प्लान, वो भी एनुअली। मतलब हम एनुअली किस किस चीज़ का कब ऑडिट करेंगे उसका हमें प्लान बना के देना पड़ता है। कंपनीज में इंटरनल ऑडिट्स करने होते हैं, तो वो एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के भी होते हैं, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम या ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के भी होते हैं, और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के भी होते हैं। तो OHS मैनेजमेंट सिस्टम, EMS सिस्टम, QMS सिस्टम, आप ये फॉर्मेट कॉमनली तीनों सिस्टम्स के लिए यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पे क्वालिटी लिया है, तो लेट्स सी व्हाट इट इज। तो देखिए ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट में हम नीचे जाएंगे तो देखिए डॉक्यूमेंट नंबर है FTEC 35। आप कुछ भी दे सकते हैं, फॉर्मेट का नंबर ही आप पर डिपेंड करता है। यहाँ पे जो है आप कंपनी का लोगो लगा सकते हैं, फिर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का आप बना रहे हैं तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम लिख दीजिए, डेट जिस डेट को आपने फॉर्मेट बनाया है या आपने प्लान बना के सबमिट किया है अप्रूवल के लिए, राइट? इंटरनल एनुअल ऑडिट प्लान है, पेज 101, ये वन पेज का है, उसका पहला पेज फ्रॉम जनवरी 2000, अब जो भी आप साल डालना चाहे, जैसे अभी 2022 आने वाला है, तो जनवरी 2022 टू दिसंबर 2022 ये पूरा रहेगा। एरियाज, यहाँ पे एरियाज के नाम लिखाएंगे, फिर जनवरी से दिसंबर रहेगा। जैसे कि एरियाज नॉर्मली कंपनी में जो एरियाज होते हैं, कमर्शियल होता है, ऑपरेशंस होता है, जैसे कमर्शियल में स्टोर्स और परचेस दोनों आते हैं, ऑपरेशंस में जो भी ऑपरेशन उस कंपनी का हो, उसके जो भी डिपार्टमेंट्स हो, एरियाज हो, आप उसके नाम ही डाल सकते हैं। जैसे कि नॉर्मली आपको साल में दो बार तो एक जगह का ऑडिट करना ही चाहिए, तो जैसे यहाँ पे कमर्शियल में स्टोर्स और परचेस दो चीज़ें आ रही हैं, तो स्टोर्स का इन्होंने मई में ले लिया है ऑडिट और नवंबर में ले लिया है, राइट? और परचेस का इन्होंने ले लिया है फिर फरवरी में ले लिया है और अगस्त में ले लिया है। तो एक डिपार्टमेंट पे इतना लोड भी नहीं पड़ता, उसके सब डिपार्टमेंट्स जो है आप उसका साल में दो बार ऑडिट कर सकते हैं। उस पूरे डिपार्टमेंट का ऑडिट साल में चार बार हो रहा है, लेकिन उसके इंटरनल डिपार्टमेंट्स का ऑडिट साल में दो बार हो रहा है। एंड फॉर नो है, वाई फॉर ईयर से प्लानिंग ही है, प्लान हमने तब करा है। एंड प्लान एंड एक्चुअल कैन बी वेरी, एंड प्रैक्टिकली बात करें तो प्लान और एक्चुअल में थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है, लेकिन प्लान सबके बना के रखने पड़ते हैं ताकि उसके हिसाब से एटलीस्ट हम प्लानिंग कर पाए चीज़ों की। फिर ऑपरेशंस डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट का आप ले सकते हैं, इसमें भी वही सिस्टम रखना है कि साल में दो बार तो एक एरिया ऑडिट हो। यहाँ पे सपोज आप कुछ एरिया डालेंगे ऑपरेशंस के, जो भी एरियाज हो कंपनी में, तो वो डालेंगे। मैंने कॉमन फॉर्मेट लिया तो मैंने ऑपरेशंस के पॉइंट्स ऐसे हटा दिए, क्योंकि हर कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। वह नॉर्मली कमर्शियल में स्टोर्स परचेस आता ही है, टेक्निकल में प्रोसेस इंजीनियरिंग आता है, मेंटेनेंस आता है तो वो है, टेक्निकल में प्रोसेस इंजीनियरिंग है, मेंटेनेंस में प्लांट इंजीनियरिंग आता है तो वो लिया है। फिर SCM में आपके पास बल्क और सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है, SCM जनरली मटेरियल्स डिपार्टमेंट को बोला जाता है। फिर एनवायरमेंट एंड सेफ्टी कहीं पर क्लब करके रहता है, कहीं पर अलग रहता है, तो उसमें QMS का ऑडिट, लेबोरेटरीज का ऑडिट। फिर मार्केटिंग जो है, मार्केटिंग में कस्टमर इंजीनियरिंग आता है, डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट अगर कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है तो मार्केटिंग एंड डिस्पैच भी आता है। फिर HR, ER, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स, और ER एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब कहीं पर अलग अलग भी हो सकते हैं, कहीं पर एक भी हो सकते हैं। जो HR इज ह्यूमन रिसोर्स, ER इज एम्प्लॉय रिलेशंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें रिक्रूटमेंट है, कॉम्पिटेंसी है, ट्रेनिंग्स है, ये सब चीज़ें आती हैं, टॉप मैनेजमेंट है। तो आप इस तरह से चीज़ें लेके एक फॉर्मेट बना सकते हैं इंटरनल ऑडिट का, एनुअल प्लान का। होप आपको मेरा ये फॉर्मेट क्लियर हुआ होगा और सिंपल लगा होगा। हम जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।